जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स के लिए जो फिफ्थ टर्म एग्ज़ाम है, पांचवी एकम कसौटी जो कि दिसंबर मंथ में होने वाली है 2020 में, उसका कुछ विवरण आपके लिए OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तरफ से। मैं आपका एडुकेटर गौरव वार्थनिक, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई आप 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों को BA में स्पेशली कौन से चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इसमें जो कोर्स में है, दैट इज़ 2 चैप्टर वेयर मेंशनड, राइट, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, राइट। सो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द 2 चैप्टर्स वेयर बीइंग इंक्लूडेड दिस टाइम ऑफ योर फिफ्थ टाइम कसौटी और फिफ्थ टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। सो होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज बोथ चैप्टर्स वेयर यू कैन सी इन दिस यूट्यूब चैनल और यू कैन वेर एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, यू कैन सी दैट चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 ऑल द वीडियोज हैव बीन अपलोडेड, वेयर यू कैन वॉच एंड अंडरस्टैंड दैट वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर बींग आस्क्ड इन दिस एग्जाम्स। बिफोर दैट विल दिस चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, राइट, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 2 चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर आपके फिफ्थ टर्म कसौटी में, इसका मतलब ये है कि इस बार का जो कोर्स है आपका वो काफ़ी लाइट रखा गया है, काफ़ी ईजी रखा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा रहे, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ दिस पैंडमिक एंड वी वेयर जस्ट इंटरेक्टिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो उसमें हम चाहते हैं जो कमेंट है वो चाहती है आपका जो स्टफ़ है वो थोड़ा सा मिनिमाइज रखें, तो ये बहुत अच्छा है कि ये 2 चैप्टर्स काफ़ी इजी हैं, हम लोगों ने देखे हैं। फिर भी आज एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं दोनों का, तो एट को आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी डिटेल हर टॉपिक में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, ठीक है, या फिर आप पुरानी हिस्ट्रीज में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको इन चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक स्मॉल एंड अ शॉर्ट समरी फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, ठीक है। डायरेक्टिंग जो चैप्टर है, ये इतना आसान चैप्टर इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये यहाँ तक जो भी चीज़ें देखी थी वो हम कहीं ना कहीं किसी दूसरी पर्पज़ के लिए ऑरिजिनेट कर रहे थे, यानी जो भी हम काम कर रहे थे वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे थे, ठीक है, यानी हमें या तो उसे कन्विंस करना है या फिर कंसीव करना है, जो ये अलग बात थी। अब डायरेक्टिंग में हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, वो भी कैसे, एक बेस फ्रेमवर्क को, एक किसी प्रोसेस को जो चल रही है, हमने किसी चीज़ को प्लान किया, ठीक है, हमने उसकी ऑर्गेनाइज भी कर लिया उसे अच्छी तरह। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने वहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ भी बिठा दिए, ठीक है, फिर हमने स्टाफिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये सब चीज़ें स्टेटअप होने के बाद जो अब जो काम आया वो मेन कंट्रोलिंग का काम आया आपका, राइट, यानी आप सबसे पहले डायरेक्ट करोगे, आप देखोगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट, उसके बाद हम इसके बाद वाला चैप्टर कंट्रोलिंग देखेंगे। तो इस चैप्टर में ऐसा क्या है खास और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें आपको इंडेक्स में दिख रहा होगा दैट मीनिंग एलिमेंट्स और मीनिंग और एलिमेंट्स, ये मीनिंग में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस जो है वो आप आंसर्स के हिसाब से अपने आप को जितने मार्क्स का वो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए मीनिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो ये डेफिनेशन दी है शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छी, कूल से नोडोनल द्वारा, डायरेक्शन इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड गाइडिंग ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, मीन्स वॉट एवर द पीपल आर डूइंग यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व इट, यू नीड टू गाइड देम एंड वॉट एवर दे वेर डूइंग यू नीड जस्ट यू नीड टू गिव अ डायरेक्शन टू देम, ठीक है, दिशा देनी है उनको। तो ये डेफिनेशन अच्छी है, आपको इनके नाम के साथ लिखेंगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, फंक्शन हर लेवल पर होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, एंड जस्ट डोंट राइट स्टूडेंट्स या जस्ट डोंट राइट द पॉइंट्स, ठीक है, आप लोग सिर्फ पॉइंट्स लिखते हैं आपको मार्क्स कम मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ग्रेड होता है वो कम हो जाता है, आपको लगता है कि बी एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड वाई वी आर आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी पॉइंट लिखते हैं उससे आपकी वहीं पर जो है प्रॉब्लम वो ख़त्म नहीं हो जाती, यू जस्ट नीड टू एलैबोरेट इट, ठीक है, आप किसी भी स्कूल में हो या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपको अभी तक ऑलमोस्ट यू आर इन 12th कॉमर्स, तो इतना तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि यहाँ आपको क्वांटिटी भी देनी है और क्वालिटी भी देनी है, ठीक है, सो यू नीड टू राइट लेंथी एंड यू नीड टू राइट द राइट थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है क्यों, क्योंकि इसमें सारे गोल्स अचीव हो जाते हैं,
ठीक है, हर लेवल पर फंक्शन करती है. तो यू कैन से दैट कि भाई हायर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल पर कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती रहती है. ठीक है, इसके अलावा ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ऑब्जर्वेशन इसका मेन फंक्शन है. ठीक है, दैट वॉट एवर द पीपल आर डूइंग और जो भी घटनाएं आपके इर्द गिर्द हो रही उसको आप ऑब्जर्व करोगे, तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रही है या नहीं. दैट ये वाइडर स्कोप है, यानी इसको आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं होती. वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इन योर स्टाइल. देन कम्युनिकेशन इसका एक मेन एलिमेंट है. रीज़न, क्योंकि वॉट एवर वी आर डूइंग इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? बिकॉज ऑर्डर्स एंड गाइडेंस एंड ऑल थिंग्स आर बींग इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन. बिकॉज इफ इट इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते, सही से डायरेक्शन नहीं देते, प्रॉपरली गाइड नहीं करते, तो फिर जो एम्प्लॉय है वो सही समय पर सही काम नहीं कर सकता, राइट? एंड वॉट एवर द प्लान एंड ऑल द थिंग्स हैव बीन जस्ट डन एंड डिमोलिश्ड, ख़त्म हो जाएगी. मोटिवेशन पॉइंट 7, ये भी एक बहुत मजबूत एलिमेंट है इसका. रीज़न, बिकॉज इंसान को सबसे ज़्यादा जो वो है एक फिजिकल एक्सेप्टेंस के साथ साथ, एक मॉनिटरी एक्सेप्टेंस के साथ साथ थोड़ा सा एक वर्चुअल एक्सेप्टेंस भी चाहिए होता है, जिससे इंसान को कहीं ना कहीं काम करने में थोड़ा सा जोश और एक हार्ट से काम करने का जो मतलब होता है ना, वो एक अलग ही होता है. लाइक हम हमारी लाइफ में वॉट एवर जो भी चाहे बनना चाहते हैं, उस वो इंसान वो चीज़ बनने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन आता है, राइट? एक अंदर से जोश आता है. लाइक सपोज इफ आई वांट टू बी अ आर्मी पर्सन, और आई वांट टू बी अ पुलिसमैन, और आई वांट टू बी अ टीचर इवन, राइट? वॉट एवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हो, लड़ रहे हो. आपका कोई भी एक ड्रीम तो होता ही है, राइट? उस ड्रीम तक पहुंचने में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उतना ही आप अपने उस ड्रीम के लिए मोटिवेट होते जाते हो कि नहीं, नाउ आई वांट टू बी, यस और नो. तो उसी तरह एक एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि वो काम करें. तो ये दो पॉइंट थोड़ा इलेबरेट करके लिखेगा, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, ये याद रखना. फ्लो ऑफ डायरेक्शन मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलता है मेनली, लेकिन फिर भी अगर बॉटम टू टॉप रिपोर्ट्स, सजेशंस और ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती है, एडवाइसेस. इंपॉर्टेंस में सेम चीज़ लिख सकते हो कि भाई एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहा है, इससे एफिशिएंसी का असेसमेंट कर सकते हो. असेसमेंट मतलब क्या हुआ कि भाई आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है. मोटिवेट हो ही रहे एम्प्लॉय साथ ही साथ, ठीक है. इफेक्टिव प्लानिंग, यानी जो प्लान किया था वैसा ही हो रहा है, तो प्लानिंग की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. एफिशिएंसी बढ़ाना मीन्स प्लानिंग, वट एवर वी हैव प्लान सेम थिंग्स आर बीइंग ऑपरेटिंग नाउ. इफेक्टिव हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो चाहते थे जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है. फॉर प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लॉस तो है ही नहीं जी, ठीक है. कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन इंक्रीज़ हो जाता है कंपनी में, ठीक है. आपस में सहयोग बढ़ेगा, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पकड़ कर चलेगा और बहुत अच्छे से जो है वो काम होगा. फंक्शन कंट्रोल अपने हाथ में, तो एक बहुत अच्छा एक्सपेक्ट है इसमें भी. एंथुजियाज्म बढ़ रहा है, जोश बढ़ रहा है एम्प्लॉयज़ के अंदर. और फाइंडिंग आउट डेविएशंस, मीन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही, सारी प्रॉब्लम्स को हम डेविएट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं. जो हम नहीं चाहते वो हम नहीं कर रहे, छोटे लेवल पर ही लॉस को रोक देते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं. अब डायरेक्शन करने के लिए कौन सी चार चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि यही चार चीज़ें मेन एलिमेंट है डायरेक्शन का. आप इसे शॉर्ट फॉर्म में SMLG LC भी कह सकते हो, ठीक. SMLC मतलब क्या हुआ कि भाई सुपरविजन के साथ मोटिवेशन, उसके साथ थोड़ी सी लीडरशिप और बहुत सारा कम्युनिकेशन, ठीक है. ये चार चीज़ अगर प्रॉपरली आप कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं. पहला पॉइंट सुपरविजन, दैट वॉट एवर द थिंग्स आर बींग हैपनिंग इन योर आउटसाइड, ठीक है, सब चीज़ों को सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, ठीक है. चाहे वो एम्प्लॉयज़ के काम हो, या फिर कोई आपकी अकाउंट्स बुक हो, या फिर आपकी फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर आपकी सेल्स हो, हर जगह आपको सुपरवाइज करना. ये देखा होगा आपने, सुपरवाइजर्स रखे जाते हैं जो कामों को देखते हैं, राइट. मोटिवेशन, यानी जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार द जो प्रॉपरली काम होना चाहिए दैट वर्क इज़ नॉट बीइंग हैपनिंग,
then you will you what you used to do you used to provide a motivation whether it is monetary or non monetary ठीक है फिजिकली उसको बताया जाए कि भाई आपको इंसेंटिव मिलेगा आपको सेल्स में पार्ट मिलेगा आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा तो वो भी एक मोटिवेशन ही हुआ ना एक तरीके का या फिर उसे कोई डेजिग्नेशन देना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा सेल करते हो तो आपको हम सीनियर मैनेजर बना देंगे या फिर वगैरह सेम तो मोटिवेशन किसी भी तरीके का होना चाहिए या फिर उसे जोश दिलाया जाए कि यार यू कैन डू इट यू आर अ पर्सन राइट इतना आप में काबिलियत है कि आप कर सकते हो तो ये एक तरीका हो गया उसके साथ थोड़ी लीडरशिप क्योंकि वॉट एवर अ लीडर डू पीपल फॉलोस ठीक है तो लोग जो है उसे फॉलो करेंगे और उस फॉलो रूट को अच्छा लीडर अगर लीड कर रहा है तो मोनली जो भी बैटल कितनी भी मुश्किल बैटल हो वो बैटल जीत जाते हैं ये सुनो हमने देखा है ऐतिहासिक चीज़ें भी आपने देखी होंगी बड़े बड़े लीडर रहे हैं हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही तो बात कर सकते हैं बड़े बड़े लीडर्स इतने बड़े बड़े लीडर्स की लाइक उनके पीछे चल के बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती गई इसके साथ साथ कम्युनिकेशन बच्चों जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायरेक्शन का रीज़न क्योंकि जो भी आप बोल रहे हैं जो भी सामने वाली का सुन रहे हैं आपको उसी से पता चल रहा है कि चीज़ें कैसे चल रही है राइट लाइक सपोज इफ़ योर वर्कर्स कम्स एंड से दैट कि बॉस ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसे समझाना पड़ेगा ना कि नहीं अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो ऐसा करो नहीं तो ऐसा मत करो आपके इंस्ट्रक्शंस पर वो वेट कर रहा है क्योंकि उसके पास उतनी अथॉरिटी होगी नहीं उस काम को करने के लिए ठीक है वो तो बेचारा एक एम्प्लॉय है आप बॉस हो आप आगे बढ़ाओगे काम कोई भी लेवल पर काम कर रहे हो ठीक है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ठीक है बच्चों तो सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन SMLC याद रखना सुपरविजन समझ गए सब लोग RC डेविस की अच्छी सी डेफिनेशन है ये एक बार अच्छे से लिख लेना कहीं पर सुपरविजन इज़ अ फंक्शन ऑफ इश्योरिंग दैट वर्क इज़ बीइंग डन एंड डन अकॉर्डिंग टू द प्लान ठीक है यानी सुपरविजन यही तय करता है कि भाई जो काम चल रहा है वो काम अकॉर्डिंग टू द प्लान ही गया और जो उस प्लान को अकॉर्डिंग चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए थे वो आपको दिए गए जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम 10th में भी दी है आपने आप 12th में भी देंगे आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो आके आपको बोलेगा कि ये दिस इज़ द टाइम टू ओपन द सील ऑफ द योर आंसर शीट एट दैट टाइम यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग उससे पहले आप अपना पेपर भी नहीं खोल के देख सकते राइट तो ये सुपरवाइज़र वो ही काम कर रहा है सेम इज़ अ कंपनी ठीक है फंक्शंस इसके आप सारे देख लेना 11 फंक्शंस हैं अच्छे से ठीक है यानी ये हर्डल्स को निकाल देती है प्रॉपर गाइडेंस देती है एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी बिजनेस का चल रहा है ठीक है यानी हर एम्प्लॉय अपनी तो तरक्की कर ही रहा है कंपनी भी आगे बढ़ रही है एम्प्लॉयज़ की भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है ठीक है एक साथ एम्प्लॉय साथ में काम करते हैं तो वननेस की फीलिंग आती है ठीक है यानी एक जैसे रहते हैं इसके साथ साथ कम्युनिकेशन अगर अच्छा हुआ तो वर्क भी जल्दी हो जाता है ठीक है नई टेक्नोलॉजी आ जाती है बिजनेस में तो काम और तेज़ी से चलने लगता है ठीक है यानी अगर मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट ये सारी फैसिलिटी ने बिज़नेस को तेज़ी से बढ़ने में बहुत हेल्प की है डिसिप्लिन रहेगा अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर आप सुपरवाइज़र के हैं ठीक है क्लास में अगर सुपरवाइज़र 2 मिनट के लिए अगर इधर उधर हो जाता है कहीं पर तो आपको पता होगा कितनी जल्दी डिसिप्लिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर उधर देखने लग जाते हैं तो इसीलिए उसे प्रॉपरली डिसिप्लिन रखने के लिए सुपरविजन कॉन्स्टेंट होना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो जो आप चाहते हैं वही हो और जो आप ना चाहते हैं वो ना हो राइट सुपरविजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग यहाँ पर कंट्रोल नहीं है ट्रेनिंग है मीन्स जहाँ पर जो चीज़ नहीं कर पा रहे हो वहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर सीख कर चीज़ों को करें और लास्ट बट नॉट द लिस्ट सुपरवाइजर इज अ फ्रेंड इज अ फिलोसोफर एंड अ गाइड राइट पॉइंट 11 याद रखना इसके अलावा मोटिवेशन SMLC का पॉइंट 2M ठीक है मोटिवेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छी सी दी हुई है यहाँ जनरल टर्म्स में कि भाई मोटिवेशन मतलब स्टिमुलेटिंग पीपल टू परफॉर्म एक्शन स्टिमुलेटिंग मीन्स क्या हुआ कि ऑरिजिनेट करना लोगों को उस काम के लिए प्रेरित करना ठीक है टू परफॉर्म द एक्शन मतलब उस काम कोई भी काम को करने के लिए जो भी वो एक्शन करने वाले टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन ठीक है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस काम से सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ भाई तुमने ये काम कर दिया बहुत अच्छा लगा हमको राइट सो जूशियस की डेफिनेशन है यहाँ पर मॉर्गन की डेफिनेशन है दोनों देख लेना प्लीज़ कि मोटिवेशन इज़ अ स्टिमुलेटिंग टू समवन एंड वन सेल्फ टू डिज़ायर द सेम एक्शन और यहीं पर मॉर्गन की भी मोटिवेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड विच लीड्स वर्कर टू टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ठीक है यानी जो आप चाह रहे हो
वर्कर आपके वैसे काम कर रहे हैं। नाइस। साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक है इसके इंटरनल इंस्पिरेशन, ठीक है, प्रेरित कर रहे हैं आपस में, आप लोग जो हैं एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हैं, चीज़ों को और बेहतर कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये एक माइंड का, ठीक है, ये सब कुछ टॉक पर डिपेंड करता है, बात पर डिपेंड करता है। एफिशिएंसी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की, लोग बेहतर काम करने लगते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती है, जिससे लेबर टर्नओवर रेशियो कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं, अब वो कम खर्च कर रहे हैं और ज़्यादा हमारी कंपनी को बचा के दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हम पर जो लेबर पर लगने वाला रेशियो, जितना हमें हर साल लगाना पड़ता है 2 साल कोई जॉब को कंटिन्यू करने के लिए, कि भाई उस वो बंदा एक्सपीरियंस था मेरे पास से चला गया, अब कोई नया आया है तो उस पर वापस मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा एब्सोल्यूट रूल नहीं है क्योंकि मेरे सारे एम्प्लॉयज़ मुझसे बहुत खुश है। तो रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, ठीक है, हम और बिजनेस में अब खर्च कम और प्रॉफिट बढ़ा देंगे फिर, क्योंकि एक्सपीरियंस एम्प्लॉयड हो जाता है तो वो और बेहतर काम करेगा कंपनी के लिए। गोल अचीव होंगे, स्कोप वाइडर ही रहेगा, चांसेस ऑफ चेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम अब बदल बदल के चीज़ें अब रिस्क ले सकते हैं। कोऑपरेशन बढ़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ इसकी एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है इसमें, हायरार्की ऑफ मैस्लो, ठीक है, याद रखना प्लीज़ बच्चों, ये भी इसका भी सेपरेट वीडियो है अपने पास। साइकोलॉजिकल नीड सबसे पहली, सेकेंड नीड्स होती है अपनी सेफ नीड, थर्ड अपनी सोशल नीड्स, फोर्थ एस्टीम एंड स्टेटस नीड। राइट, लाइफ में एक स्टेटस भी तो चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो हायर नीड होती है हमारी, सबसे हायर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, यानी हमारी नीड सबसे पहली, और मेरी रियलाइजेशन मीन मतलब कि मेरी एक रिस्पेक्ट, मेरी एक डिग्निटी। लाइफ में हर इंसान ये दोनों चीज़ चाहता है कि उसका स्टेटस, उसकी एस्टीम, उसकी एक्चुअलाइजेशन कायम रहे, और उसके अलावा अगर थोड़ी समाज में और सेफ्टी नीड थोड़ी मिल गई भाई, और साइकोलॉजिकल नीड मिल गई, तो वो तो बहुत ही अच्छा। राइट, इस पर एक डिटेल वीडियो है, आप एक बार देख लेना प्लीज़ लाइफ में। राइट, इसके सारे लेवल होते हैं, साइकोलॉजिकली हमने इसके सिर्फ लेवल्स बना लिए, ठीक है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसके दो टाइप्स हम लोगों ने देखे हुए थे। फर्स्ट में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या देखा हुआ था, शेयर इन प्रॉफिट। राइट, शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप्स, प्रमोशंस, बोनस, कमीशंस, प्राइजेस, सजेशंस, एडवाइजेस, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, लोग इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से हो गए, कि भाई सिक्योरिटी रखना एम्प्लॉयमेंट की, उन्हें रिकोगनाइज करना, रिवॉर्ड देना, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनसे एडवाइस लेना, और इसके अलावा वेलफेयर एक्टिविटीज़, एमिनिटीज़ में उनको इंक्लूड करना, और अदर इंसेंटिव्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। सो ये दो डिफरेंस हो गए इसमें। राइट, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, याद रखना। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप्स एक बार डिटेल में देख लेना आप लोग। राइट, समझ गए आप लोग। अब इसके बाद जो लास्ट बट सॉरी सेकेंड लास्ट, लीडरशिप। लीडरशिप आई होप यू ऑल नो इट। राइट, लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स, एनकरेज द पीपल, गिव एन एग्जाम्पल बिकॉज इट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर शोज टू द पीपल एंड इंस्पायर द पीपल टू डू द राइट जॉब। अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे गांधी जी की हम बात करें, तो उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे अपनी पूरी लाइफ निकाली। उन्होंने लोगों को जो इसे इंस्पायर किया, लोग उनके नक्शे कदम पर चले। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ इवन ही सेड दैट हिज लाइफ इज हिज मैसेज, ठीक है, यानी उनकी लाइफ ही उनका संदेश है। वट एवर ही हैज़ डन इन हिज लाइफ इज द मैसेज अदर्स टू फॉलो। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, इनकी भी डेफिनेशन याद रखिए, तो प्लीज़ मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू वर्क विलिंगली एंड द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स। ठीक है, वट एवर वी हैव थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट, दैट गोल शुड बी डिटरमाइंड। लीडरशिप यही चीज़ देखती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना बच्चों इसके, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर, फॉलो करते हैं लोग, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लीडरशिप जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है, यानी एग्री करके, नीड टू फाइट फॉर दैट एट द एंड ऑफ योर ब्रेथ। क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप्स, आइडियल पर्सनालिटी, मोटिवेशन, हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव ऑफ एवरी सिचुएशन। राइट, मतलब क्या हो गया कि इनफॉर्मल और अच्छे रिलेशन बनते हैं, आइडियल पर्सनैलिटी यानी लोग इंस्पायर होने लगे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं मुझसे, और वो ना सिर्फ अपने लिए और मेरे लिए भी काम करने लगे। राइट, because if your boss think you need to make something extra, you need to give to your leader whatever, because you need to impress them, right? आप उनको impress करना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा क्या मिले,
प्रमोशंस राइट, तो हर सिचुएशन में इफेक्टिव है गुड क्वालिटी के लीडर्स, फिजिकल इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिकल क्या होने चाहिए पढ़ लेना, एंड लास्ट वन कम्युनिकेशन राइट। कम्युनिकेशन की मेन डेफिनेशन नोआन मैन एंड समर द्वारा, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडिया ओपिनियंस इमोशंस एंड टू ऑफ मोर पर्सन राइट। बच्चों याद रखना प्लीज़, यही डेफिनेशन लिखना है एटलीस्ट। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसके गोल ओरिएंटेड है, क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज होगी तो बेहतर है, पीपल यूज टू अंडरस्टैंड इट। टू वे प्रोसेस है, यानी सिर्फ बोलकर कम्युनिकेशन वन वे होती, सामने वाला व्यक्ति सुनकर जवाब देगा तभी तो पता चलेगा कि वो समझा या नहीं समझा राइट। सो इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना, तो ये भी टू वे प्रोसेस हो जाएगी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, अलग अलग टाइप्स अलग अलग मेथड से की जा सकती है, ओरली रिटर्न से लिखकर बोलकर इशारों में ठीक है। सिग्नल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर, ये कहाँ होता है ट्रैफिक सिग्नल पर है कि नहीं। इसके अलावा मोटिवेशन और एक्टिविटी है ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम करती है और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है। ह्यूमन प्रोसेस ठीक है, यानी ह्यूमन ही चलेगी, मेथड देख लेना एक बार, पाई चार्ट बनाते हो एग्जाम में तो बहुत अच्छा ठीक है। ओरल रिटर्न विजुअल ऑडियो, ऑडियो विजुअल और साइलेंस राइट, सबके टाइप्स देख लेना एक बार, डिटेल वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंसेस ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये एक बार देख लेना ये वाले मी इनके चार्टेड, तो ये सेवन पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाने चाहिए बच्चों राइट। अब इसके बाद ये जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लिमिटेशंस हैं, मेजर्स हैं कौन कौन से, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में भी ठीक है। तो एक बार देख लेना यहाँ तक, डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा राइट। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, प्रिपेयर फॉर योर दिस 5th term एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द एंड ऑफ दिसंबर। डेट्स आर नॉट सून डिक्लेयर्ड बट एज सून एज पॉसिबल, जैसी डेट डिक्लेयर होती है नोटिफिकेशन आएगा श्योर हम बताएंगे आपको जल्द से जल्द। जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जय हिंद।